नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं अनुराग सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक फेस पैक बनाने की विधि बताऊंगा और इसके फायदे बताऊंगा। और यह फेस पैक बनाया जाएगा सेव से। जनरली हम सेव को खाना पसंद करते हैं और सेव काफ़ी फायदेमंद भी होता है। और सेव का अगर फेस पैक आप यूज करते हैं तो आपकी स्किन पे एक ग्लो आएगी, एक चमक आएगी, वाइटनिंग आएगी, आप गोरे हो जाएंगे, गोरे दिखेंगे। और साथ ही साथ आपकी जो त्वचा है, जो स्किन है, वह झुर्री मुक्त होगी। झुर्रियाँ बहुत सामान्य हो गया है, समय से पहले झुर्रियाँ आ जाना बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि ऐसा पोल्यूशन, ऐसे दूषित पदार्थ हम ले रहे हैं जिससे झुर्रियाँ समय से पहले आ जा रही हैं। तो इसका निजात आपको इस फेस पैक मिलेगा जो सेव से बनाया गया है। दोस्तों, वीडियो में आने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं एप्पल का फेस पैक कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं, और यूज करने के बाद स्किन पे इसका क्या प्रभाव आता है। एप्पल का फेस पैक बनाने के लिए आप एक एप्पल ले लें, और आधा एप्पल काफ़ी है। एप्पल को इस तरह से काट लें, और इसमें जो बीज वगैरह है, बीज तो इसमें कुछ खास दिख नहीं रही है, फिर भी जो भी बीज है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और इस एप्पल का जो फेस पैक हम बनाएंगे, इसमें हमें इसके पील्स का, इसके छिलके का यूज नहीं करना है। छिलके को बाहर कर लें, और जो इसका सफ़ेद वाला पार्ट है, इसका सफ़ेद वाले पार्ट का पेस्ट बनाना है। इसके लिए हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से आसानी से हो जा रहा है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसका जो पील्स है वो बाहर आ गया, और जो सफ़ेद गुदा था वो हमने निकाल लिया है। इसका भी निकाल लेते हैं इसी तरह से इजीली। सेव पका है, और वैसे इसको कद्दूकस करना काफ़ी आसान भी है। दूसरा टुकड़ा भी कस किया जा चुका है, इसका छिलका सामने आ चुका है, और जो गुदा है वो प्लेट में आप देख पा रहे हैं, काफ़ी स्मूथ पेस्ट बना है। इसमें अब हम मिलाएंगे एक चम्मच शहद। शहद जो कि स्किन को टाइट रखता है और स्किन को काफ़ी पोषण भी देता है, ग्लो भी लाता है साथ साथ। और एप्पल जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसके अलावा दूसरे विटामिन भी पाए जाते हैं। विटामिन सी स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, और एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड दोस्तों स्किन को साफ रखने के लिए, ग्लोइंग रखने के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। और अगर आप कोई ऐसा पैक, फेस पैक यूज करते हैं जिसके इंग्रेडिएंट में मैलिक एसिड पाया जाता हो और विटामिन सी पाया जाता हो, तो आपकी स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और आपकी स्किन काफ़ी ग्लो करती है। तो ये आधा सेव था जिसके गूदे को मैंने निकाला, और इसके गूदे में मैंने करीब एक चम्मच के आसपास शहद मिलाया है, और अब ये हमारा फेस पैक तैयार हो गया है। दोस्तों, इसको लगाने का तरीका भी देखना है, आइए देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। अभी भी मैंने जो फेस पैक बनाया सेव का और शहद का, उसका यूज कैसे करना है ये जान लें। इसके लिए आपको टमाटर या कोई भी खट्टा फल या सब्जी, जैसे कि नींबू या संतरा लेना है, और इसके रस को, नींबू है तो नींबू, संतरा है तो संतरा, या फिर टमाटर भी ले सकते हैं, कोई खट्टा फल या खट्टा सब्जी, इसके रस को अपने स्किन पे, अपने चेहरे पे, अपने जिस भी बॉडी पार्ट पे फेस पैक को लगाना चाहते हैं। ये तो हालांकि मैंने फेस पैक बनाया है, और इस पैक का यूज आप पूरे बॉडी में भी कर सकते हैं, ऐसे बॉडी पैक भी यूज कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी के जिस पार्ट में यूज करेंगे, उस बॉडी पार्ट में आपको इसका असर, इसका प्रभाव दिखेगा। आप अगर इसका फेस पैक के साथ, इस फेस पैक को फेस पैक फेस के साथ साथ इस फेस पैक को फेस के साथ साथ अगर आप अपने पूरे बॉडी पे यूज करें, सारे बॉडी पार्ट पे यूज करें, तो
आपकी स्किन में एक समरसता सी आएगी, एक एक समान ग्लो आएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई पार्ट ज्यादा ग्लो कर रहा है, कोई व्हाइटनिंग पार्ट है, कहीं पे कुछ कालापन लिया हुआ है, ऐसा नहीं दिखेगा अगर आप अपने पूरे बॉडी पर यूज कर सके तो। हालांकि यहाँ पे मैं सिर्फ अपने चेहरे पे यूज करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ठंडी का मौसम है और पूरे शरीर पे इस पैक का यूज करना के दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। शायद आप इस चीज को अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो पहले चेहरे पे कोई खट्टा पदार्थ, खट्टा फल या खट्टा सब्जी का यूज कर लें। अब इस रस को मैं अच्छी तरह से लगा चुका हूँ। अभी जो मैंने फेस पैक तैयार किया था सेब और शहद का, इसको स्किन के ऊपर की तरफ घुमाते हुए इस तरह से चेहरे पर लगाना है। दोस्तों यह एक राउंड मैंने लगाया, और एक राउंड लगाने के बाद आपको रुक जाना है, करीब 10 मिनट तक आपको रुके रहना है। हालांकि वीडियो में 10 मिनट मैं रुक के दिखाऊं में पॉसिबल नहीं है, 10 मिनट आप रुक जाएं। जब यह पैक थोड़ा सूख जाए तो फिर पैक की थोड़ी मात्रा दोबारा दूसरी लेयर स्किन पर चढ़ाने का प्रयास करें। और कोई भी क्रीम, कोई भी फेस पैक स्किन पर हमेशा ऊपर की तरफ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज लगाई जाती है, और चेहरे के हर पोर्शन पे, हर कोने में फेस पैक लगाएं, ताकि आपकी स्किन पे, आपके चेहरे पे जो ग्लो आए वो पूरी स्किन पे आए, ना कि किसी खास हिस्से पे। तो ये दूसरा लेयर मैंने लगाया। हालांकि मैंने जो टाइम इंटरवल रखा है वो 20 मिनट, 10 मिनट से कम है, क्योंकि वीडियो में दिखाने के लिए 10 मिनट का समय रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और फिर 10 मिनट बीतने के बाद एक तीसरी लेयर को चेहरे पे फिर से लगाएं। इस फेस पैक के इस्तेमाल से दोस्तों आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, आपके चेहरे पे निखार आएगा, आप गोरे गोरे दिखेंगे, और सन स्क्रीन जो होती है उससे भी आपकी त्वचा की रक्षा होती है, और साथ ही साथ झुर्रियों से आप निजात पाते हैं। समय से पहले स्किन पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी, और अगर झुर्रियाँ आई हैं तो निश्चित रूप से उसके रोकथाम में यह पैक काफ़ी कारगर साबित होगा, काफ़ी लाभप्रद होगा। ये मैंने तीसरा लेयर लगा दिया। अब दोस्तों 20 मिनट तक आपको तैयार करना है, 20 मिनट तक इस पैक को सूखने दें, उसके बाद चेहरे को धो लेना है। अब मैं 20 मिनट बाद आपके सामने आता हूँ चेहरा धोने के बाद। दोस्तों अब मैंने फेस पैक को धो लिया है और चेहरा को ठंडे पानी से धोया था, फिर तौलिए से पोछा है। उसके बाद मॉइस्चर के लिए मैंने नारियल तेल हल्के हाथों से लगाया था। तो दोस्तों आप सेब का फेस पैक बनाने का तरीका और उसको लगाने की विधि जान चुके हैं, और इसका यूज करें और अपनी स्किन को साफ सुथरा बनाएं, वाइटनिंग बनाएं, चमकता हुआ बनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।